तेज भाव है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए पानी छोड़ा जाता है तो लगभग यहाँ पूरा ये जितना एरिया पूरा भर जाता है, आपको बताया था मैंने अभी वीडियो पे, वो टापू पूरा डूब जाता है। कभी कभी अगर इतना तेज ज्यादा बहाव है तो फिर वो पूरा टापू देखो डूब जाता है पूरा। यहाँ मैं ज्यादा आगे जा नहीं सकता क्योंकि अगर टूट गया तो मैं तो सीधा पानी में जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका फ्रेंड ऑफिशियल सूरज ब्लॉगर। तो 31 जुलाई के दिन ये हुआ है कि आज हरिद्वार में बहुत कम बारिश हुई है, मतलब बूंदाबांदी हुई है बहुत ही ज्यादा हल्की। पर यह है कि बूंदाबांदी होने से इतना कोई पानी वानी का ज्यादा तेज बहाव नहीं, फिर भी आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए, बहुत गादला पानी आ रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि एक मिट्टी वाला बिल्कुल ये गंगे मैया का देखिए जल बिल्कुल, क्योंकि ऊपर लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों पे। ये नीलधारा नदी से काटा जाता है पानी, जब पानी ज्यादा आता है तो ये देखो पूरा है ना यहाँ तक, ये पत्थर भी पूरे डूब जाते हैं, देखो ये वाले पत्थर भी पूरे डूब जाते हैं, फिर वहां तक जाता है सारा पानी। अभी देख लो कितनी तेज पानी चल रहा है। इतना बोल सकते हैं कि आज जो मौसम है काफी अच्छा है, ना ज्यादा धूप है और ना बारिश है, और देखो रोड भी आप देख रहे होंगे सूखी है बिल्कुल। देखिए अगर आप मेरे इधर की तरफ पीछे की साइड देखेंगे, देखिए ये जो गंगे मैया चल रही है यहाँ पर, देखिए बारिश यहाँ पर, देखो ये जो बारिश होती है तेज, ये यहाँ तक पूरी जितनी इनकी खेती भी है यहाँ तक पूरा पानी पानी हो जाता है भाई। देखो यहाँ भी देखो, अभी देखो थोड़ा है, अभी ये कि उधर उधर चल रहा है। वो देखो वो जो टापू देख रहे हैं ना आप सामने, देखो वो टापू पूरा डूब जाता है। कभी कभी अगर इतना तेज ज्यादा बहाव है तो फिर वो पूरा टापू देखो डूब जाता है पूरा पूरा, पेड़ पेड़ दिखाई देते हैं बस। गंगा का जो स्तर है वो काफी तेज है, आपको सामने जाकर दिखाएंगे। देखिए झूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दूर से आपको इतना साफ नहीं दिखाई देगा इसलिए मैं आपको पास से आगे दिखाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों मैं देखो नीलधारा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका हूँ। देखिए पानी जो लगातार पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से देखिए लगातार जो पानी है यहाँ तक कभी नहीं आता। यहाँ तक मैं आया था कभी गाने की, एक बार हमने शूटिंग की थी तो यहाँ तक हमने की थी, यहाँ तक हम पैदल घूम रहे थे, फिर भी देखो अब कितना ज्यादा पानी आ गया। और देखो इधर के साथ इधर भी देखो आप क्या व्यू है, आगे जाके दिखाता हूँ देखो आपको। ये देखिए यहाँ मैं ज्यादा आगे जा नहीं सकता क्योंकि अगर टूट गया तो मैं तो सीधा पानी में जाऊंगा। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो तेज पानी है उसकी आवाज ही चलते हुए की सुनाई देगी। और उस पार भी देखिए वहां कितने बड़े बड़े पेड़ बहकर आए हुए हैं ऊपर से। नहीं पड़ी, अगर ये बारिश पड़ी होती तो फिर इसका जो बहाव है वो देखो पूरा डूबा होता उधर का टापू। देखो थोड़ा सा ये अभी पास से अभी दिखा दूं आप, यहाँ पे यहाँ के एक बार जाकर दिखा दूं आपको मैं। ये देखिए इतने मोटे मोटे लकड़ बह के आते हैं यहाँ पर, ये देखिए वो जो अच्छा भाई तुम तो यहीं पर रहते हो ना, तो मतलब जब ज्यादा पानी आता है तो कहाँ तक आ जाता है फिर पानी? अच्छा लाइन में मतलब पूरा ये पूरा भर जाता है पोर्शन यहाँ का, ये यहाँ हम खड़े हैं। अच्छा यहाँ पे पानी चलता है जब मतलब ज्यादा बारिश हो फिर जी। अच्छा वैसे अभी आया था पिछले के कुछ दिनों में पीछे आया था, पिछले साल आया था। अच्छा पिछले साल आया था, देखो बता रहे दुकान पानी बढ़े। हाँ तुम तो डेली आते हो ना यहाँ पे घूमने? हाँ देखो इनसे पूछा मैंने, देखो इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर जब ज्यादा गंगा का जो स्तर है जो पानी का स्तर है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वहां से जो नाली है वहां तक भी जाता है पानी। अब देख लो यहाँ से यहाँ कितना बैठता है, बहुत ज्यादा, फिर तो ये होता है हाई अलर्ट हो जाता है फिर तो। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ गुरुमुख ध्यान कुंज, देखिए पीछे आप देख सकते हैं गुरुमुख ध्यान कुंज, यहाँ पर पड़ा यहाँ तक के पानी आ जाता है भाई, जब मोटी मोटी लकड़ियाँ ऊपर से बह के आती हैं, ये जब गंगा का ज्यादा प्रेशर रहता है जब आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी देखने को मिला, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से यहाँ पर। अभी वहाँ पे दिखाते हैं, चलो चल के फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं थोड़ा घूम लेते हैं। पर यहाँ से तो पूरा वो देखो उधर से ले गए यहाँ तक पूरा का पूरा पोर्शन, मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल पानी पानी रहता है बिल्कुल बस। देखो गंगे मैया के नजदीक जाएंगे, यहाँ पर देखो बहाव यहाँ पर दिखाई देगा आपको, आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये देखिए भाई साहब, तो भाई साहब अभी भी मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ पर जो देख रहे हो आप गंगे मैया कितना तेज बहाव है आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो
ये देखो भाई साहब, बस ये यहाँ पर जब भी कोई आए तो सेफ्टी से खड़ा होए, क्योंकि यहाँ पर जो तेज बहाव है इस पर आप बिल्कुल नहीं रुक पाओगे, सीधा आगे जाओगे। हरिद्वार की नई नई अपडेटिंग देखते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में उत्तराखंड में बारिश हो रही है उसकी वजह से जो गंगा का तेज बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है। आज बारिश नहीं पड़ी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैं ये कहता हूँ कि भाई कुछ गलत ना हो तरीके से बारिश पड़े। हर दिन की मेहनत मैं आप सभी लोगों के लिए करता हूँ, बस आप एक लाइक कर दीजिए करा और एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए करा कि आप आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। बस मैं आपके कमेंट की सबकी वेट करता हूँ और कमेंट सबकी पढ़ी जाएगी, सबका रिप्लाई होगा। फटाफट से कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर। देखिए बादल बन चुके हैं, देखिए अब मुझे भी घर चलना पड़ेगा, आज की अपडेट आपको दे ही दी है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको अपडेट दूंगा, अगर बारिश ज़्यादा पड़ती है बादल क्योंकि बन चुके हैं, बारिश होने के पूरे चांस है ना जाए। बस ये सब खुश रहें, बढ़िया रहें, मंगलमय रहें, भगवान का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। तो एक बार बोल दीजिए जय माँ गंगे हर हर गंगे, हर हर महादेव।